टीम इंडिया कानपुर में पसीना बहा रही है और विराट कोहली के फैंस उनकी प्रैक्टिस देखकर घर पे आंसू बहा रहे हैं। और दरअसल बात यह है कि विराट कोहली फेस कर रहे थे जसप्रीत बुमराह को। 15 बॉल खेली उन्होंने बुमराह की और उसमें जो स्कोर था वो था 8 रन और 5 विकेट। यानी कि अब इसके बाद से ये टीम मैनेजमेंट की टेंशन तो बढ़ गई है और इसी बात पर अर्ज किया है, थोड़ा म्यूजिक दे दो भाई, के कोहली भैया फॉर्म में आ जाओ नहीं तो हम रो पड़ेंगे, खूब सारे रन बनाओ नहीं तो हम रो पड़ेंगे। हसन महमूद नाहिद राणा मेहदी मिराज सब पे सॉस लगाओ और खा जाओ नहीं तो हम रो पड़ेंगे। और जो रूट ससुरे ने नाक में दम कर रखा है आप भी शतक बनाओ और छा जाओ नहीं तो हम रो पड़ेंगे। लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। सॉरी फॉर द सस्ती सी शायरी, लेकिन भैया रियलिटी ये है कि कोहली भैया की फॉर्म जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर ढूंढेंगे तो भी मिलेगी नहीं। बहुत ही खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं और फॉर्म के साथ साथ थोड़ा सा मसला तो कॉन्फिडेंस में भी हो गया है। नहीं तो विराट कोहली अगर फुल कॉन्फिडेंट होते तो जब आउट होते तब भी रिव्यू साथ में लेके जाते, इस बार तो नॉट आउट थे और रिव्यू का यूज नहीं किया। भाई साहब इन सब चीजों से टीम मैनेजमेंट की टेंशन बढ़ गई है बिकॉज विराट कोहली का टीम इंडिया में वही रोल है जो कि हमारी गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का होता है, यानी कि सब कुछ वही है। तो ऐसे में जरा थोड़ी सी दिक्कत तो हो जाएगी बॉस। लेकिन किंग है यार, 2014 का जब वो पैच तोड़ सकते हैं इंग्लैंड वाला, 2021 का वो पैच तोड़ सकते हैं जब 2 साल में कोई सेंचुरी नहीं बनी थी, तो फिर ये क्या चीज है, ये भी तोड़ ही देंगे। कॉन्फिडेंस तो है हमें किंग पर, लेकिन हुआ क्या नेट प्रैक्टिस में वो जानते हैं। देखिए सबसे पहले तो जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करने के लिए आए थे जिनकी बॉलिंग बिल्कुल विराट कोहली को लेफ्ट राइट एंड सेंटर बॉल बीट कर रही थी। पहली 2 बॉल तो उन्होंने बहुत अच्छे से खेली, लेकिन उसके बाद फिर बुमराह ने पहले उनको LBW आउट किया, फिर बोला कि शॉर्ट लेग पे कैच हो जाएगा, फिर एक दो बार स्टंप छोड़ाए, फिर एक बार हेलमेट पे भी बॉल दे मारी। हर बार विराट कोहली बड़े ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ रहे थे और बुमराह को खेलने में दिक्कत हो रही थी। फिर हमने सोचा चलो यार ये तो बुमराह है, क्या पता जब जडेजा और अक्षर आएंगे तो कुछ मामला सही हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। तो जडेजा अक्षर अश्विन सभी की बोल पर विराट कोहली ऐसे ही स्ट्रगल करते हुए नजर आए। दरअसल सबसे पहले अर्शदीप सिंह, अरे माफ कीजिएगा, अक्षर पटेल आए थे उनको टेस्ट करने के लिए अपनी लेफ्ट आर्म पे, ऐसे लेफ्ट आर्म स्पिन के एंगल के साथ, लेकिन उसकी उनके जो ओवर्स विराट ने फेस किए उसमें से मैक्सिमम उन्होंने इनसाइड एज लगाई, कुछ आउटसाइड एज लगी, एक दो कॉन्फिडेंट स्ट्रोक जरूर थे लेकिन वो भी इतना कॉन्फिडेंस दे वैसे नहीं थे। बाकी सेम कहानी रही थी जडेजा और अश्विन के साथ भी। अब देखो कोहली पहले मैच के अंदर बहुत ही प्रेशर में आ रहे हैं बिकॉज पहली बार पहले इनिंग्स में तो वो अपने आउटसाइड द ऑफ स्टंप वही उनके पुराने नेमेसिस पर आउट हुए, और दूसरे इनिंग्स के अंदर भाई नॉट आउट थे लेकिन फिर भी बैट जमीन से टकराया था, इसलिए शायद उन्हें लगा कि एज नहीं है, बैट टच नहीं हुआ है बॉल से, इसलिए उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। रिव्यू लेते तो शायद तब बच जाते और लंबे रन भी आ जाते, लेकिन नहीं आए तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अब भैया किंग कोहली की इम्पोर्टेंस ये भी है कि भैया जब जो रूट इतने करीब पहुंच रहे हैं लेजेंडरी द सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के, तो ऐसे में विराट कोहली के लिए अपना गेम अप करना और भी जरूरी हो गया है बिकॉज अभी इंडिया को और 9 टेस्ट मैच खेलने हैं। कोहली का जैसे कैलेवर है वो 9 टेस्ट मैच में आराम से 1,000-1,500 रन बना सकते हैं, इसका मतलब कि वो भी उस 10,000 के ब्रैकेट के अंदर तो आ ही जाएंगे। और मैं ये नहीं मान सकता कि जो रूट से कम फिट है विराट कोहली, अगर जो रूट के लिए बोल रहे हैं कि 5 साल खेल सकते हैं तो विराट कोहली भी आराम से 4-5 साल क्रिकेट सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट पे कंसंट्रेट करेंगे तो डेफिनेटली खेल ही सकते हैं बिकॉज फिटनेस का तो कोई इशू है ही नहीं और ना कोहली के साथ हंगर का इशू होता है, वो अभी भी काफी हंगरी है। तो ऐसे में विराट कोहली के लिए अपना गेम अप करना बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन इसी हॉरिफिक फॉर्म ना हो तो गेम अप हो ही जाएगा और हम भी एज ए इंडियन फैंस यही उम्मीद करते हैं कि हॉरिफिक फॉर्म ना हो और कोहली कानपुर के मैदान पर ठीक ठाक रन बनाए। बाकी आपकी राय क्या है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ एक बात और है जो मैं आपको कहना भूल गया कि यार नेट प्रैक्टिस की वैसे इतनी ज्यादा वैल्यू होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पिछली बार हमने ही आपको बताया था चेन्नई में कैसे यशस्वी जायसवाल पेस बॉलिंग के सामने स्ट्रगल कर रहे थे और बाद में उन्होंने 50 रन के अर्धशतकीय पारी भी खेल दी, तो इसलिए नेट प्रैक्टिस हो सकता है कि गेम में कुछ डिफरेंट रिजल्ट भी ले आए, तो ये बात भी हमें
जो है अंडर द कारपेट पुश नहीं करनी चाहिए, ये भी हो सकता है। बाकी आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दबा के नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं आपसे बार बार मिल सकूं। और हाँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।